हेलो गाइस आरजे, और आप सभी को सबसे पहले तो हैप्पी रिपब्लिक डे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो ये रिपब्लिक डे जो है काफ़ी अच्छे से बनाए गए। तो अब चलते हैं हमारे वीडियोस की तरफ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट प्रोटेक्शन बैक कवर जो कि आपको देखने को मिलते हैं सैमसंग M30s के लिए, और इनकी जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में मैं जो है इन कवर्स का जो एक फुल रिव्यू करने वाला हूँ, जो कि आपको सैमसंग M30s के लिए काफ़ी बढ़िया कवर देखने को मिलते हैं। और ये कवर आपको ऑनलाइन और एज वेल एज ऑफलाइन दोनों में आपको देखने को मिल जाएंगे, और आपको जो इसकी कॉस्ट काफ़ी सस्ती देखने को मिलेगी अगर आप इसे ऑफलाइन से परचेस करते हो। और अगर आप इसे ऑनलाइन से परचेस करते हो तो इसकी कॉस्ट जो है थोड़ी सी महंगी देखने को मिलेगी अगर आप कंपेयर करते हो ऑफलाइन से। तो आज के इस वीडियो में इन्हीं का मैं जो है फुल रिव्यू करने वाला हूँ, और ये मेरी पहली वीडियो है जो कवर के ऊपर है जो कि इस साल में बन रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करोगे। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। सो गाइस स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को, और सबसे पहले चलते हैं हमारे इन कवर्स की ओर। तो बेसिकली ये कवर आपको जो सैमसंग के M30s के लिए देखने को मिलते हैं, और ये कवर की जो प्राइस है अगर आप ऑफलाइन में इसको देखने जाते हैं तो इसकी प्राइस जो आपको एक मैक्सिमम जो आपको इसकी जो प्राइस मिलेगी वो 150 रुपये, यानी कि 150 रुपये अगर आप ऑफलाइन मार्केट से जो परचेस करते हो तो वो प्राइस आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप इसे जो ऑनलाइन में परचेस करना चाहते हो तो मैंने कई कई वेबसाइट पर देखा जैसे कि फ्लिपकार्ट पर, तो इसकी जो प्राइस है मुझे 300 रुपये तक देखने को मिली है। तो ये बहुत गलत बात लगी कि मुझे ऑफलाइन में काफ़ी अच्छी प्राइस देखने को मिलती है और ऑनलाइन में काफ़ी गलत प्राइस देखने को मिलती है। अगर आप कंपेयर करते हो तो बिल्कुल डबल प्राइस आपको ऑनलाइन में देखने को मिलती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो इसकी ऑनलाइन लिंक जो है आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकूँ, और आप जो इसे चेक कर लेना। और साथ ही में जो मैं अगर आप ऑफलाइन में जो परचेस करना चाहते हो तो आप कोई भी आपके नियरली मार्केट से जाके इन कवर्स को जो परचेस करते कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हमारे कवर की तरफ। तो कुछ इस तरह का आपको जो कवर देखने को मिलता है, और बेसिकली इस कवर का नाम जो पर्सनालिटी कवर दिया गया, और पर्सनालिटी कवर और काफ़ी बढ़िया जो प्रोटेक्शन ये आपको प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली ये 2-in-1 कवर है। एक कवर जो है आपको हार्ड सॉफ्ट वाला जो है अंदर की तरफ देखने को मिलता है, और एक कवर जो आपको जो है हार्ड वाला जो है बाहर की तरफ देखने को मिलता है। लेकिन ये लगता नहीं है कि हार्ड है, क्योंकि इसके ऊपर जो सामने से जो है काफ़ी बढ़िया जो नरम नरम जो कोटिंग की गई है जो कि काफ़ी बढ़िया जो है लुक देती है। साथ में इसके अंदर आपको जो रिंग देखने को मिलती है जो कि कुछ इस तरह की देखने को मिलती है, आपका हाथ में उंगली में जो है इसको फंसा सकते हैं। साथ ही में इसके अंदर आपको जो एक स्टैंड दिया जाता है जो कि काफ़ी बढ़िया से जो है काम करता है। तो मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ, काफ़ी बढ़िया से जो है काम करता है। तो कुछ इस तरह से आप जो आपकी वीडियोस जो देख सकते हैं, मैं आपको इस तरह देख के करके बता देता हूँ। तो कुछ इस तरह से आप आपके जो वीडियोस को है इसके अंदर देख सकते हैं, और जो आपको जो सामने का पैनल देखने को मिल रहा है ये बेसिकली निकल भी जाता है। तो ये काफ़ी बढ़िया बात लगी कि अगर ये ख़राब हो भी जाता है तो आप इसको जो आपके एक दूसरे कवर की तरह जो यूज़ कर सकते हो। साथ में इसके अंदर आपको जो एक रस्सी लटकाने के लिए दिया जाता है जो कि पहले आपको जो देखने में मिल जाती थी, और पोर्ट्स जो है काफ़ी बढ़िया देखने को मिलते हैं। और एक कवर इतना मोटा है कि अगर आप आपके स्मार्टफोन को जो उल्टा भी ऐसा रख देते हो तो भी आपका जो स्मार्टफोन को जो कोई भी स्क्रैचेस नहीं आएगा, क्योंकि ये मोटा कवर है। तो जो अगर आप इसको उल्टा रखते हो तो ये कवर के ऊपर ही रखाता है, ना कि आपके स्मार्टफोन के डिस्प्ले के ऊपर रखाता है। तो काफ़ी बढ़िया मुझे इसकी क्वालिटी लगी, और अगर आप बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करते हो तो काफ़ी बढ़िया मुझे कवर लगा, और इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और इसके अंदर आपको जो काफ़ी सारे कलर देखने को मिलते हैं, जो कि आपको एक रेड देखने को मिलता है, एक ब्लैक देखने को मिलता है, इसके अंदर एक नेवी ब्लू भी आता है, लेकिन मेरे पास वो उपलब्ध नहीं है क्योंकि मेरी शॉप है और मेरी शॉप में इन कवर्स को बेच चुका हूँ। काफ़ी बढ़िया जो कवर बिकते हैं, और मैक्सिमम इसकी प्राइस जो है 150 रुपये में रखता हूँ। तो बेसिकली अब इनको रखते हैं तो साइड में, और ये जो आप कलर देख रहे हैं ये एक बहुत ही रेयर कलर है, बहुत ही मुश्किल से जो देखने को मिलता है, और सेम और कोई यदि कोई मॉडल होगा जिसके अंदर मुझे ये कलर देखने को मिला, ये पहला मॉडल है जिसके अंदर मेरे को सैमसंग M30s का ब्लू कलर में जो है कलर देखने को मिला है। तो इसकी ये जो कलर है बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलता है, लेकिन जो इसकी क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया मुझे इसकी देखने को मिली। अगर आपका स्मार्टफोन अगर सामने से भी गिरता है तो एक काफ़ी हद तक आपके स्मार्टफोन को जो है बचा लेता है, लेकिन जिस टाइम पर जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उस टाइम पर मेरे पास कोई भी सैमसंग का M30s स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं है, नहीं तो मैं आपको ये कवर जो है लगा के भी दिखाता। लेकिन दिक्कत ये है कि मेरे पास जो स्मार्टफोन जो है अभी के टाइम पर जो उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ कि आप इस कवर को यूज़ करने के बाद बिल्कुल भी निराश नहीं होगे। हाँ, थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है कि इसके अंदर अगर आप आपके मोबाइल में जो कवर लगा लेते हो तो उसके बाद जो स्मार्टफोन जो है थोड़ा सा मोटा हो जाता है, तो थोड़ा सा मतलब हैवी हो जाता है, बल्की हो जाता है। लेकिन अगर आप आपके स्मार्टफोन को अच्छे से प्रोटेक्ट करना चाहते हो और काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन देना चाहते हो आपके स्मार्टफोन को कि अगर सामने से भी गिरता है तो आपके स्मार्टफोन को ये बचाने की ताकत रखता है। तो ये था मेरा फुल रिव्यू जो कि आपको सैमसंग के M30s के लिए काफ़ी अच्छे कवर देखने को मिलते हैं। और इसके पहले भी मैंने इस कवर का जो काफ़ी अच्छे काफ़ी सारे स्मार्टफोन के लिए जो रिव्यू किया है, तो चाहे तो आप उन्हें जो आई बटन पर क्लिक करके जो देख सकते हैं। तो ये था मेरा वीडियो जो कि आपको देखने को मिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो मेरा
मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू गाइस हैव अ ग्रेट डे।